ही मेरा कहना है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन 2014 का उनका बयान याद करिएगा कि लोकसभा के लिए क्या दावा कर रहे थे, 2017 के जब विधानसभा थे तब वह क्या दावा कर रहे थे, और 2019 में तो प्रधानमंत्री पद की शपथ ही लेने जा रहे थे कुलपति जी मिलकर के। लेकिन जनता का जो आशीर्वाद है वो भाजपा के साथ है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणाम स्वरूप आज हम यह पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि एक बार फिर से जनता का आशीर्वाद भाजपा को प्राप्त होगा और हम लोग 300 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में फिर जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। ये कोई भी सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का नेता हो या किसी संगठन से जुड़ा हुआ हो, अगर कोई तालिबान के समर्थन में बयान देता है तो उसकी मैं कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो रही है और जिसको तालिबानों से बहुत प्रेम है वो अफगानिस्तान जाए। अखिलेश यादव जी का जो कथन होता है उसकी सच्चाई नहीं होती, वो सच्चाई जानते हैं कि इतना शानदार बजट है, उनको जो सपने दिख रहे हैं सपने दिखना